सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रथम पाठ का जो है पंचम श्लोक कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। पढ़ लीजिए एक बार इसको। हरित तुरुणाम ललित लता नाम माला रमणीय कुसुम वलि समीर चलिता रसानमहे वर्णम वर्णिया नौ मालिका रसाम मिलिता रुचिर संगम सुचि पर्यावरण। हरित तुरुणाम, हरित होता है हरे, तरु होता है वृक्ष, हरे भरे वृक्षों की। ललित लतानाम होता है सुंदर लताओं की, ललित सुंदर लतानाम लताओं की। माला रमणिया, माला रमणिया जहाँ हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की पंक्ति विद्यमान हो। कुसुम वली, कुसुम होता है फूलों की, वली होता है पंक्ति ही। समीर चालिता, समीर हवा, चालिता चलना। सयान में है रमणिया, हाँ रमणिया होता है रमन, रमन होना। वायु से खिलाई गई ऐसी फूलों की पंक्तियाँ सुशोभित हों जिसको मैं वर्ण कर सकूँ। वर्णिया का मतलब होता है वर्ण कर सकूँ। नव मालिका रसालम, नव मालिका होता है, नव मालिका नाम की एक लता होती है उसके बारे में बताया गया है। रसालम होता है आम की पेड़, मिलिता मैंने से लिपटी हुई। नौ मालिका नाम की एक लता है जो पेड़ आम के पेड़ से लिपटी हुई हो। रुचिरम संगम, रुचिरम होता है सुंदर, संगम होता है मिलना। ऐसे शुभ अवसर पर मेरा सुंदर संगम हो, अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं वहाँ पहुँचकर जो प्रकृति है उसके सुंदर रूप का क्या कर सकूँ, दर्शन कर सकूँ। सुचि पर्यावरण, जब शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र क्या है, सहारा है। एक बार और देख लीजिए, हरित तरुणाम का मतलब है जहाँ हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की पंक्ति क्या हो, विद्यमान हो। कुसुम अवलिही, कुसुम होता है जो फूलों की पंक्तियाँ होती हैं। समीर हवा चालिता मैंने चलना। सयान में वर्णिया, वर्णिया होता है वर्ण करना। वायु से हिलाई गई ऐसे फूलों की जो पंक्तियाँ सुशोभित हों जिसको मैं वर्ण कर सकूँ। नव मलिका, नव मलिका क्या है, एक लता का नाम है यहाँ। रसालम आम के पेड़ से, मिलिता मैंने लिपटी हुई। नव मलिका नाम की जो लता है आम के पेड़ से लिपटी हुई हो। रुचिरम संगम सूची पर्यावरण है, ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे शुभ अवसर पर क्या हो, मेरा संगम हो अर्थात मिलन हो। ठीक है, आगे हैं जो हमारा छठा श्लोक है। आई चलम बंधो खग कुल कवरम गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरम संभरित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचे जालम नो कुरियात जीवित हरणम। आई चल बंधो, आई चल बंधो का मतलब है यहाँ हे भाई चलो। ठीक है, चल मैंने चलना। खग कुल करवम, खग मैंने पक्षियों का, कल कुल मैंने होता है समूह, कलरोम होता है ध्वनि। ठीक है, हे भाई नगर की कोलाहल से घबराए हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले जो पक्षियों के है समूह की जो ध्वनि है से गुंजित वन प्रदेश की ओर मुझे ले चलो। गुंजित वन प्रदेशम होता है गुंजित, वन मैंने वन, देशम मैंने देश की ओर मुझे ले चलो। यहाँ क्या है, हे भाई अब मैं क्या है, जो नगर का है ना कोलाहल है अर्थात जो नगर की शोरगुल है उससे घबराए हुए लोग कहते हैं कि हमें सुख का अगर धारण करना है ना तो करने के लिए पक्षियों के जो समूह है। ठीक है, खग कुल कवरम, खग का मतलब है पक्षियों का, कुल मैंने समूह, कलरोम होता है ध्वनि, गुंजित वन देशम जो गुंजित वन देश की ओर मुझे ले चलो, चलम मैंने चलो। पुर कलरोम, पुर का मतलब है नगर का कोलाहल। ठीक है, संप्रभित जनेभ्य, संप्रभित जनेभ्य है यहाँ धृत सुख संदेशम आया है कि मुझे ले चलो नगर की चकाचौंध से। ठीक है, संप्रभति जनेभ्य होता है जो नगर की जो चकाचौंध है उससे से भरी हुई दुनिया हमारे जीवन के आनंद को क्या कर लेती है, हर लेती है। ठीक है, जो जाल है, ठीक है यहाँ इसके बारे में है, चाक चिव जालम का होता है चकाचौंध से भरी हुई। ठीक है,
कुरियात, कुरियात करना, जीवित हरण मैंने जीवन को हर लेती है। हे भाई, नगर की कोलाहल से घबराए हुए संप्रभित होता घबराना, जनेबे मैंने लोग हैं जो, धृत सुख संदेशम, धृत होता है सुख का संदेश धारण करना, धृत मैंने धारण करना, सुख मैंने सुख संदेश मैंने धारण करना, जो यहाँ है ना इस लाइन की हम पहले करेंगे। पुरकलरोम, पुरकलरोम का मतलब नगर का कोलाहल से, अई बंधो, अरे बंधो, पुरकलरोम मतलब नगर का जो कोलाहल है, संभृत जनेब है, घबराए हुए लोग हैं जो, धृत सुख संदेशम, धृत का मतलब होता है धारण करना, सुख का संदेश को धारण करते हुए, क्या कौन से, जो पक्षियों के समूह की ध्वनि है, गुंजित वन प्रदेश की ओर मुझे ले चलो, ठीक है। हे भाई, नगर की कोलाहल, इसका मतलब है नगर की कोलाहल से घबराए हुए, संप्रभति का मतलब होता है घबराई, जनेबे मतलब लोग, बहुवचन है यहाँ, ठीक है, लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करने वाले, सुख का संदेश धारण करने वाले, ठीक है, करने वाले पक्षियों का जो समूह है, गुंजित वन प्रदेश, उसकी ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश की ओर मुझे ले चलो। चाक चियोजालम का मतलब होता है चकाचौंध से भरी हुई दुनिया, कुरियात मैंने करना, जीवित हरण मैंने जीवन का हरण कर लेती है, सूची पर्यावरण मैंने सूची पर्यावरण, नगर की चकाचौंध से भरी हुई जो दुनिया है हमारे जीवन के आनंद को क्या कर लेती है, हर लेती है, ठीक है। अरे भाई, यहाँ है अरे बंधो, हरे भाई, नगर की कोलाहल से घबराए हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों का जो समूह है, जो ध्वनि कर रहे हैं, चहचहाट कर रहे हैं, गुंजित वन की प्रदेश मुझे ले चलो। इससे पहले क्या है, ये कहना चाहता है कि इससे पहले नगर की चकाचौंध से भरी हुई दुनिया क्या कर ले, मेरे आनंद का हरण कर ले। कुरियात मैंने करना, जीवन का हरण कर ले। चाक चियोजालम का मतलब होता है चकाचौंध से भरी हुई, ठीक है, चकाचौंध से भरी हुई। अब आए हैं हम लास्ट हमारे श्लोक पर, देखिए, परस्तर तलहे लतातरहु गुलाम नो, ये गुलामहा नो भवतु पिष्टहा। परस्तर तले होता है पत्थरों के नीचे, लता मैंने लता जो यहाँ है, अगर इसको अलग अलग करेंगे हम तो लता, तरु और गुलमानाम, इसका मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है, मैंने लता, तरु मैंने पेड़, गुलना मैंने झाड़ियाँ, ठीक है, अलग अलग करके मैंने आप लोगों को बता दिया है। लता जो लता होती हैं, तरु वृक्ष सॉरी झाड़ियाँ, परस्तर तले का मतलब होता पत्थरों के नीचे, नो भवतो पिष्टाह, मैंने पिसी हुई हैं, लताएं वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिस जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे सयान समाविष्टाह, पसाणी सभ्यता निसर्गी सयान समाविष्टहा, पसाणी क्या होती है, पथरीली, पिस्टा मैंने पिसना, निसर्गी मैंने प्रकृति में, सभ्यता जो पुरानी सभ्यता है, समाविष्टा मैंने समाई हुई है, जो है कहता है कि प्रकृति में इस पसाणी सभ्यता का क्या है, समावेश न हो जाए, कहते हैं कि लताएं वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पिस जाए, और कहता है कि प्रकृति में इस पसाणी जो सभ्यता है ना, इसका समावेश न हो जाए। मानवीय जीवन काम्य नो जीवन, जीवनम मरणम सूची पर्यावरण है, मानवीय मैंने मानव का, जीवन मैंने जीवन, काम्य का मतलब था कामना करता हूँ, मैं तो मानव की जीवन की कामना करता हूँ, न जीवन मरणम, जीवन की मृत्यु की नहीं, अर्थात जीवन की मृत्यु की नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, उसके मानव की मृत्यु की कामना नहीं करता, ठीक है। और सूची पर्यावरण है, शुद्ध पर्यावरण ही मनुष्य का एकमात्र क्या है, सहारा है, ठीक है। लता हैं, लताएं, पेड़, झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे, पिस्टा मैंने न पिस जाएं, ठीक है, इसका है कि लताएं वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे, पिस्टा का मतलब न पिस जाए। पसाणी सभ्यता निसर्गे सान समाविष्टः,
पसाणी सभ्यता अर्थात प्रकृति में इस पसाणी सभ्यता का समावेश न हो जाए। मानवीय जीवन, मैं तो मानव की जीवन की काम्य यानी कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम सूची पर्यावरण, मैं उनकी मृत्यु की कामना नहीं करता, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही क्या है, मनुष्य का एकमात्र सहारा है। जो आपके 3 श्लोक बचे थे उनकी सेपरेशन व्याख्या मैंने अच्छे से कर दी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। सुनने के बाद वीडियो ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद कई स्टूडेंट की कंप्लेंट होती है कि वीडियो क्लियर नहीं होती, आप अपनी क्लियरिटी को बढ़ाइए, और अगर उससे नहीं होता तो कम से कम साउंड तो सुन रही है ना, वो सुनने के बाद आप क्या हैं, आपके पास बुक होगी, देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको सुनना है, फ़ोन का यूज़ ज़्यादा नहीं करना। आपने क्या है, फ़ोन एक साइड में रख दिया, सुनो अब क्या क्या पढ़ाया, सुनाई तो दे रहा है ना। सुनने के बाद क्या करना है, आपने सह प्रसंग व्याख्या करनी अपनी फेयर नोटबुक में, अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। साथ के साथ ये ना हो कि जब नोटबुक चेकिंग के लिए मंगवाएं तो आप लोगों की नोटबुक कंप्लीट ना हो, ठीक है। इसके साथ ही आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो।